खबर पहलानी से सामने आ रही है, जहां कुछ ग्रामीणों ने तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि वो राशन कार्ड बनाने के नाम पर 100 रुपए लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार राजेश गुप्ता का कहना है कि उन पर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो मैं उसी दिन नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। बात करने जाऊं राशन कार्ड बनवाने के हेतु कि आप लोगों से कितने कितने रुपए लेते हैं? भैया तहसील पहलानी में कोई भी बता दे कि 1 रुपए भी लगता हो तो मुझे अभी सूत्रों की माने खबर मिली है कि आप कुछ रुपए लेते हैं। नहीं, असंभव असंभव तो है ही नहीं। आपके ऊपर कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया हुआ है, उसी दिन राजेश कुमार के नाम लगाया होगा, उसी दिन सस्पेंड हो जाऊंगा मैं, इस्तीफा दे दूंगा नौकरी से। कोई कह नहीं, जिले के अंदर 18 साल की सर्विस में जिले के अंदर कोई नहीं बोलते कि चंद रुपए के लिए आप रुपए ले लेते हैं ना बनवाने के लिए। जिले में कोई कह दे तो आप पहला नहीं, और जिले में कोई है अपनी बात कहो तुम यार, आप अपनी बात कहिए उसमें क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ एक भी 1 रुपए 1 पैसा नहीं लगता, ना किसी से लिया जाए। ग्रामीण ने आरोप लगाया कि आप पैसे लेते हैं, वो गलत आरोप है, बिल्कुल सरासर गलत है। मतलब काफी लोग बोलते हैं कि रजीत भाई साहब पैसे लेते हैं, सरासर गलत है, अपने जीवन में नहीं लिया। वैसे आरोप आप उनको लगते हैं गलत लगा रहे हैं, ये सरासर। ग्रामीणों से आपकी दुश्मनी है क्या कुछ? तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 50 से 100 रुपए आप लेते हैं। नहीं नहीं गलत, तो ग्रामीणों से कोई दुश्मनी थोड़ा ना है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल गलत है कि राशन कार्ड कटवाने के नाम पे भी पैसे लिए जाते हैं और जोड़ने के नाम में भी लिए जाते हैं। मेरे नाम चूजी भी मैं नौकरी छोड़ दी, राशन कार्ड के नाम क्यों काटे जा रहे हैं? अब ये तो इंस्पेक्टर साहब बताएंगे, इसके बारे में इंस्पेक्टर साहब बताएंगे। बांदा से राघवेंद्र की रिपोर्ट।